मैडम ने कहा तो उन्होंने कहा कि निजामाबाद में होगा। ये सोच, ये प्रशासन की सोच, और रवि किशन को बुलाओ क्योंकि इसी माटी का है रवि किशन। बगला के है हम जौनपुर के राकर, और कभी केवल सोच लेना रहे कि हम वो जौनपुर की राकत पे हम के लिए आ जाए तो हमें जितना धनराई पर हम चाहे कि प्रशासन खातिर वो जोरदार ताली गड़गड़ा के जो बना ले। अभी दिया वंदन हुई और बाद हम अपने जौन जौन रिवा लोगन का फरमाइश हुई जौन भी मंगवा हम पूरा पेश करब। हमारे म्यूजिशियन भाई तैयार हैं और हम भी तैयार है, और आज हम एक सांसद हम कलाकार है और 7 लाख से ज्यादा वोट से जीतवाए कारण के हम कलाकार थे, कारण के हमारे श्रद्धे नरेंद्र मोदी जी के चाहत रहे। चला भैया आपसे निवेदन है माननीय सांसद जी, माननीय रवि किशन जी को, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी, एसडीएम और सम्मानित अधिकारी का इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में आ जाए, दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी, आदरणीय माननीय सांसद जी। बढ़िया ब्लॉक बन रहा है सुपरस्टार मल्टी टैलेंटेड और माननीय सांसद जी के रूप में, माननीय सुपरस्टार के रूप में यहाँ पर बना रहे हैं रवि किशन जी, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीएम प्रियंका मैम, सभी को लेकर आए और दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जोरदार लगने की चाहने वालों की बहुत ही बड़ी है रवि किशन जी, दीप जलाकर शुभारंभ करते हुए सुपरस्टार रवि किशन जी, माननीय सांसद जी, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और चाहेंगे कि हल्की हल्की तालियां कम से कम बजती रहनी चाहिए हमारे बड़े भैया रवि किशन जी के लिए। गणेश वंदना, गणेश वंदना, दो मिनट के लिए गाते सुप्रदीप।